अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करने जा रही हैं। 12 जून को जबलपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली से कांग्रेस के मिशन MP का फतह करने का श्री गणेश होगा। इसकी तैयारियां कांग्रेस जोर शोर से कर रही है। मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर माह में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं। जबलपुर के नगर कांग्रेस अध्यक्ष और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर से प्रदेश के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगी। प्रियंका के साथ साथ कांग्रेस के कई बड़े राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता भी जबलपुर आ रहे हैं। अन्नू के मुताबिक शहर में प्रियंका गांधी के आम सभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा का एक रोड शो करने की तैयारी भी की जा रही है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तरीय बनाने के लिए 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने की तैयारी में है। वहीं BJP के प्रचार अभियान की बात करें तो वह अनौपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह भी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं, सतना आ चुके हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री भी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के बाद अपने बड़े नेताओं को राज्य के अलग अलग हिस्सों में लाने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्टार फेस प्रियंका गांधी ही होंगी। उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रचार का नेतृत्व किया था। अभी कर्नाटक में भी प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ ढंग से पार्टी का प्रचार कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश में अकेले ही प्रचार का मोर्चा संभाला था। स्टार प्रचारक से लेकर संकट मोचक की भूमिका बखूबी निभाने वाली प्रियंका गांधी के चेहरे का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस ने अब एक कदम आगे बढ़ा लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक तरुण भनोत का कहना है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की काफ़ी सेंसिटिव लीडर हैं। उनमें पब्लिक से कनेक्ट करने का की बेहतरीन क्षमता है। उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरह से पार्टी के लिए प्रचार विपक्ष के दलों का काउंटर किया वो काबिले तारीफ है। हम लोग मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी को भी स्टार प्रचारक के रूप में बुलाने के लिए उत्सुक हैं। कर्नाटक विधानसभा की बात करें तो चुनाव के बाद दोनों नेताओं की बड़ी रैलियां मध्य प्रदेश में आयोजित करने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा।